हेलो दोस्तों, अगर आप दो भाई हैं और आपको कम से कम बजट में आपको मकान बनाना है तो आपने बिल्कुल सही प्लान ओपन किया है। इसमें मैं आपको सब कुछ डिस्कस करूंगा। आज का जो प्लान है 37x36, इनका जो फ्रंट है क्लाइंट का पूरब और उत्तर दो साइड में यहाँ पे फ्रंट है और ये दो भाइयों के लिए प्लान बनाया गया है दोस्तों। तो इसकी एक एक डिटेल मैं डिस्कस करूँगा, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये पूरा प्लान आपको इस तरीके से दिखेगा दोस्तों। फ्रंट ये जो चौड़ाई रखी गई है 37 फीट है और लंबाई जो है 36 फीट है। 37x36 में आपके पूरा प्लान बना है दोस्तों। इसमें आपको जो रेड कलर के मार्क दिख रहे हैं सारे आपके कॉलम्स हैं। कॉलम्स इस तरीके से बनाए गए हैं ताकि आपके जो भी इसेंशियल कॉलम हैं आपके दिए गए हैं। पहले मैं एक बार कॉलम को यहाँ पर हाइट पर करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपके कॉलम कितने यूज हुए हैं। मैंने यहाँ पे कॉलम जो है सिंगल फ्लोर की के लिए 10x10 का यूज किया है। अगर आपका प्लान जो है, अगर आपका प्लॉट डबल फ्लोर के लिए है, मतलब दो मंजिल के लिए आपको मकान बनाना है, तो आपको जो कॉलम यूज करना है 10x12 का आपको यूज करना है दोस्तों, ठीक है। तो ये सिंगल फ्लोर का है तो इसलिए 10x10 का कॉलम यूज किया है दोस्तों। इस चीज़ का आप ध्यान रखें और जो भी कॉलम आप यूज करें उसमें जो है चार सरिये, जो सिंगल फ्लोर है उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें आपको चार सरिये 12mm का, सूत की बात करें तो चार सूत का आपको सरिये यूज करना है दोस्तों, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपके कॉलम्स हो गए, कितने नंबर आप कॉलम हैं उसको मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं और यहाँ पे जो दो पोर्च बनाए गए दोनों भाइयों के लिए अलग अलग एंट्री बनाई गई है दोस्तों, ठीक है। तो इसका हाइट हम पोर्च है तो इसकी हाइट 8 फीट ही रहेगी, ठीक है। बाकी मैंने इसका डिटेल्ड वीडियो बना करके मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसका पूरा फुल वीडियो आप देख सकते हैं, पूरा मकान बनने के बाद आपको किस तरीके से दिखेगा दोस्तों। तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट करके प्लान को देख सकते हैं, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कॉलम्स की बात करें तो चार ये पीछे हो गए, फिर 4x8, फिर ये 4x12, फिर ये 16 और ये 16, 17, 18, 19, 20 नंबर आप कॉलम से आपके यहाँ पे यूज किए गए हैं दोस्तों। बाहर की जो भी दीवार है उसको मैंने 10 इंची के यूज किया है, अंदर की जो दीवार है उसको मैंने 5 इंची के यहाँ पे यूज किया है दोस्तों। तो या बाहर की जो दीवार है उसको मैं एक बार हाइट पे करके उसको भी दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा क्लियर हो जाए विजुअल्स में कि हाँ आपके जो आउटर वाल है किस तरीके से यहाँ बनाए गए हैं दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपकी बाहर की दीवार हो गई, बाहर आउटर की दीवार इस तरीके से आपकी हो जाएंगी, ठीक है। और अंदर की जो 5 इंची की दीवार है उसको भी मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ, ये आपकी 5 इंची की दीवार इस तरीके से आपकी रहेंगी यहाँ पे। और ये सीढ़ी है, आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको सीढ़ी वगैरह इस तरीके से आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब एक बार मैं यहाँ पे डिटेल समझा देता हूँ एक बार। हाँ, कुर्सी को थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूँ। कुर्सी को मैंने यहाँ पे 2.5 फीट ऊपर रखा है। आप मकान को ऊपर जब भी मकान थोड़ा बनाए तो कम से कम 3 से 4 फीट रखें कुर्सी। बहुत लोग मैं देखा हूँ कुर्सी डाउन रख देते हैं जो कि मकान की जो खूबसूरती है वो छिप जाती है। ये गलत है दोस्तों, आपको हमेशा कुर्सी जो है अच्छी खासी हाइट पे रखना चाहिए, इससे आपके मकान की जो खूबसूरती है वो छिपती नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको कुर्सी का जो लेवल है इस तरीके से आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुर्सी का जो कलर है उसको भी मैं थोड़ा यहाँ पे चेंज किए देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आता रहे कि हाँ ये आपका कुर्सी का लेवल इस तरीके से आपका रहेगा दोस्तों। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका कुर्सी का ये जो लेवल है इस तरीके से आपका रहेगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। कि ये आपका कुर्सी का जो हाइट है, मैं कलर थोड़ा चेंज कर, कलर चेंज करने से थोड़ा सा आपको क्लियर रहेगा कि हाँ इस तरीके से आपका कुर्सी का लेवल यहाँ तक आपका रहेगा दोस्तों, ठीक है। सॉरी, और यहाँ पे अब मेन गेट जो लगेगा आपका ये मेन गेट होगा। मेन गेट हमने 4x7 का दिया है, आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। इसके बाद इस मेन गेट, ये आपका पोर्च हो गया, पोर्च आगे कितना लेंथ विड्थ है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। ये इसके बाद यहाँ पर आपका गेस्ट रूम बनाया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये आपका गेस्ट रूम है। इस गेस्ट रूम में आपको दो दरवाजे लगाने हैं, एक अंदर से भी आप लगा दीजिए, मान लीजिए कोई गेस्ट वगैरह आता है तो उनको चाय नाश्ता आप यहाँ इस दरवाजे के थ्रू आप दे सकते हैं दोस्तों, इस दरवाजे के थ्रू आप उनको चाय नाश्ता प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो ये आपका हॉल एरिया मिल जाएगा। यहाँ पे आपको दो, एक किचन है अभी, एक स्टोर है अभी, दोनों भाई का डिवाइडेशन नहीं हुआ, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होती है तो ये दो किचन यहाँ बन जाएंगे, साइज सेम टू सेम रखा गया दोस्तों, ठीक है। तो अभी फिलहाल एक किचन और एक स्टोर है, अगर आपको बनाना है तो आप दोनों किचन बना सकते हैं, आपकी चॉइस है दोस्तों, ठीक है। ये आपका इस तरीके से किचन और स्टोर इस तरीके से आपका हो जाएगा, आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका किचन और स्टोर यहाँ पे हो जाएगा। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको
इस जगह पे आपको एक दरवाज़ा मिलेगा। ये जो पीछे वाला बेडरूम है इसमें एंट्री के लिए आपको यहाँ पे दरवाज़ा मिल जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको इस बेडरूम में एंट्री के लिए दरवाज़ा मिल जाएगा और यहाँ पे इस बेडरूम में एंट्री के लिए दरवाज़ा मिल जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये वाला जो पोर्च है इनके लिए भी भाई गेस्ट रूम चाहिए, तो हमने इसी बेडरूम को गेस्ट रूम बना दिया है दोस्तों। इन भाई के लिए भी यहाँ पे ये आपका मेन गेट हो जाएगा। ठीक है, दो पोर्च हो गए, ये आपका मेन गेट हो जाएगा। बाकी इस भाई के लिए यहाँ पर भी आपको गेस्ट रूम आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये आपको गेस्ट रूम हो जाएगा और एक अंदर से भी इसमें भी दरवाज़ा, अंदर साइड से भी आपका यहाँ पे दरवाज़ा आपको मिल जाएगा। ये आपका अंदर साइड से आपको दरवाज़ा यहाँ पे इस साइड से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए इस तरीके से। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये फ्रंट पे पोर्च हो गया, यहाँ से एंट्री करेंगे, ये आपका मेन गेट हो गया, ये गेस्ट रूम हो गया। इस इन भाई के लिए आधा हिस्सा इन भाई के लिए हो गया, यहाँ पे गेस्ट रूम, इसका दरवाज़ा इधर, आधा इसका दरवाज़ा इधर, और दूसरे पोर्च के साथ ये वाला गेस्ट रूम हो जाएगा एक दो दरवाजे के साथ में। और ये दो बेडरूम हो गए, एक इस भाई के लिए, एक उस भाई के लिए, और बीच में आपका किचन और स्टोर है अभी फिलहाल। फ्यूचर में आप इसको दोनों किचन बना सकते हैं दोस्तों। और ये आपका सीढ़ी इस तरीके से डॉग लेग में सीढ़ी रहेगा दोस्तों। अब पूरा मकान कंप्लीट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा दोस्तों, पूरा आपको इस तरीके से पूरा दिखेगा। सीढ़ी की बात करें तो ऊंचाई 6 इंची है, थ्रेड जो है 10 इंची है, और ये डॉग लेग में आपको इस तरीके से सीढ़ी है। लेकिन अगर आपको चाहिए तो एक दरवाज़ा या बाथरूम वगैरह यहाँ नीचे भी बना सकते हैं, लेकिन इसे ध्यान रखिएगा कि वास्तु के अकॉर्डिंग सीढ़ी के नीचे बाथरूम नहीं होता है। अगर आप वास्तु नहीं मानते तो आप सीढ़ी के नीचे बाथरूम बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको ऑल साइड इस तरीके से विंडो वगैरह आपको ऑल साइड मिल जाएगा दोस्तों, दो पोर्च के साथ में। चलिए अब साइजेस वगैरह की तरफ, और आपको साइजेस एक एक करके हम डिस्कस करते हैं हमने किस साइज में क्या चीज़ कैसे रखा है दोस्तों। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं जो टोटल मकान की चौड़ाई है उसको समझा देते हैं। आप देख सकते हैं ये आपका 37 फीट हो गया। ठीक है, चौड़ाई 37 बाई 36। ठीक है, इसके बाद जो ये पोर्च आपका निकला है 10 फीट। ठीक है, 10 फीट पोर्च, 10 बाई 10 फीट 6 इंच। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है 6 फीट 10 इंच। ठीक है, इस जगह पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको 6 फीट 10 इंच आपको जो बरामदा है ये मिलता है। पोर्च प्लस बरामदा हो जाएगा तो काफ़ी स्पेस हो जाएगा, 16-17 फीट के आसपास आपको मिलेगा, ये बरामदा हो जाएगा, ये पोर्च आपका रहेगा। ठीक है, यहाँ गेस्ट रूम में एंट्री करेंगे तो 12 फीट बाई 11 फीट 6 इंच आपको गेस्ट रूम मिलता है, और ये वाला भी गेस्ट रूम आपका 12 फीट × 11 फीट 6 इंच सेम टू सेम साइज़ का रखा गया है दोस्तों। किचन की तरफ बढ़ते हैं तो ये आप देख सकते हैं 9 फीट बाई 5 फीट, और ये वाला 1 इंच डिफरेंस है, 9 फीट बाई 5 फीट 1 इंच। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीछे साइड चलेंगे तो 11 फीट × 14 फीट का आपको एक बेडरूम मिलता है ये वाला, और दूसरा बेडरूम 11 फीट × 14 फीट का। सीढ़ी की बात करें तो 6 फीट 6 इंच चौड़ाई है सीढ़ी के, जिसमें से एक स्टेप का जो चौड़ाई है वो 3 फीट है, दूसरे का आपका 6 इंची है, 3 फीट और बीच में 6 इंची आपका इस तरीके से गैप रहेगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये आपको 10 फीट 6 इंच का आपको ये चौड़ाई में हॉल मिलता है, जो आपका हॉल एरिया है 10 फीट × 19 फीट 6 इंच का आपको इस तरीके से हॉल वगैरह आपको मिलता है दोस्तों। देख सकते हैं 19 फीट 6 इंच × 10 फीट 6 इंच आपको इस तरीके से मिल जाएगा। यहाँ की बात करें तो ये आप देख सकते हैं 6 फीट 10 इंच ये वाला जो गेस्ट रूम है × 9 फीट। ठीक है, ये पोर्च जो है 9 फीट × 10 फीट 6 इंच का, और ये जो 6 फीट 10 इंच का आपको इस तरीके से आपको मिलेगा। और इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अलग अलग एंगल से आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा, बहुत पसंद आए होगा आशा करता हूँ। तो जब वीडियो पसंद आए तो यार चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और सबसे बड़ी बात आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपको कोई पैसा नहीं जाता, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो के, मैं टिकट भी दे लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।